हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि एक डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है, एक डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है या कितना वर्ग फीट होता है और कितना वर्ग मीटर होता है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप यह वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए, डिसमिल निकालने का सूत्र, अगर कड़ी से नापी कर रहे हैं तो अगर आपको कड़ी से नापी कर रहे हैं तो अगर आपको डिसमिल निकालना है तो आपको 1000 से भाग देना होगा वर्ग कड़ी में, तो आपको डिसमिल निकलेगा। यानी कि 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है, यह याद रखें। अगर कड़ी से नापी कर रहे हैं तो अगर आप डिसमिल से नापी कर रहे हैं सॉरी अगर आप फीट से नापी कर रहे हैं तो डिसमिल निकालने का यह फार्मूला है, वर्ग फीट भागा 435.6। यानी कि वर्ग फीट मतलब जितना आपका आया फीट वर्ग फीट, उतना से आपको 435.6 वर्ग फीट से भाग दीजिएगा तो जितना आएगा वो आपका डिसमिल लगेगा। यानी कि 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल हो जाता है। यह नेशनल मात्रक है। और मीटर, जो यह मीटर जो आप देख रहे हैं, अगर मीटर से नापी कर रहे हैं तो वर्ग मीटर से अगर भाग देते हैं 40.48 से तो आपको डिसमिल निकल के आएगा। जैसे कि 40.48 वर्ग मीटर बराबर आपका आ गया 1 डिसमिल, यह होता है। अगर आप गज से नापी कर रहे हैं तो आपको वर्ग गज भागा 48.48 से भाग देना होगा। यानी कि 48.48 से भाग दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा डिसमिल। अगर आप इंच से नापी कर रहे हैं तो इंच से नापी करने का यह फॉर्मूला लगाना होगा, 62726, यानी कि 62726.4 वर्ग इंच बराबर 1 डिसमिल हो जाता है। तो इसी प्रकार से वर्ग विता है, हाथ है, उंगली है, तो आप देख सकते हैं और देख के समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। और अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। अब इसमें क्या देखना चाहते हैं कि इसका गजट ज्यादा करना चाहिए? गजट तो आप देख लिए, कहे कि सॉलिड इसमें कर जाए। इसका दखल कब जाना पुआना है? दखल कब जाना पुआना आप चाहते हैं? कहे इतने तक दखल कब्जा किसी प्रकार से हो हमको क्या?